हिंद दोस्तों, एक नया दिन और एक नया व्लॉग। इस वीडियो में आगे आपको मैं दिखाने वाला हूं हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जेल और उनकी मस्जिद जिसको मस्जिद आला कहा जाता है। दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान इस जेल में उन ब्रिटिशर्स को रखते थे जो कि एंग्लो मैसूर युद्ध में पकड़े गए थे। गाइस, मुझे मिल गया ऑटो और मैंने ऑटो को हायर किया है 500 रुपीज में। सबसे पहले अपन देखते हैं सुल्तान की जेल। दोस्तों, मैसूर से श्रीरंगापट्टनम 21 किलोमीटर पड़ जाएगा आपको। दोस्तों, अंग्रेजों को इस जेल में ऐसी सजा दी जाती थी देखकर आप परेशान हो जाओगे। दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान इस जेल में उन ब्रिटिशर्स को रखते थे जो कि एंग्लो मैसूर युद्ध में पकड़े गए थे। दोस्तों, ये टीपू सुल्तान की सीक्रेट जेल थी जिसका नाम कर्नल बाली का कालकोटरी कहते थे। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे इस जेल को इतना नीचे क्यों बनवाया गया है। मैं आगे आपको बताता हूँ उसका मकसद क्या था इस जेल को इतना नीचे बनाने का। ऐसी ये रही जेल उनकी। यहाँ पर वीडियो निकालने के लिए मना कर रहे हैं इसके लिए। और तोप भी है यहाँ पर, अभी जो देख सकते आप लोग, ये तोप है। ठीक है दोस्तों, ये जो बाजू में पत्थर देख रहे हो आप लोग, इस पर कैदियों को दोनों हाथ रख कर बांध दिया जाता था, जैसे कि इस तस्वीर में मैंने आपको बताया है। एक डेमो के तौर पर कैदियों को सजा के तौर पर गंगा नदी का पानी फुल कर दिया जाता था। कैदियों के सीने तक, या नहीं बोले तो कैदियों के सराहने तक, सर तक फुल कर दिया जाता था दोस्तों इसमें पानी। सुल्तान के फादर यानी के हैदर अली साहब भी ब्रिटिशर्स को इसी जेल में रखा करते थे। दोस्तों, अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ हजरत टीपू सुल्तान की मस्जिद जिसको मस्जिद आला या जामा मस्जिद कहा जाता है। मैं एवरीडे ओपन होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई टिकट नहीं है। अभी यहाँ से जाएंगे, अभी हम लोग जा रहे हैं लाल महल जो पुराना घर है टीपू सुल्तान का। दोस्तों, इस मस्जिद का इतिहास डायरेक्ट टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ है क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान ने ही इस मस्जिद को बनवाया था। और इस मस्जिद की पहली इमामत शेरे मैसूर हजरत टीपू सुल्तान ने ही की थी। और इस मस्जिद को हजरत टीपू सुल्तान 1786 से 1787 के आसपास में बनवाए थे। और इस मस्जिद की खास बात, इसकी दोनों बड़ी मीनारें हैं जो कि श्रीरंगापट्टनम आने वालों को दूर से ही दिखाई देंगे। दोस्तों, जब भी हम इस मस्जिद के फोटोज देखते हैं तो उसमें छोटी दिखाई देगी मस्जिद, लेकिन पास आकर देखने से काफी बड़ी और शानदार मस्जिद दिखाई देगी आपको। दोस्तों, मस्जिद आला ने 4th एंग्लो मैसूर वार के दौरान एक अहम किरदार निभाया था क्योंकि सुल्तान की शहादत के बाद उनके वफादार सिपाहियों ने इस मस्जिद के आसपास आखिरी लड़ाई लड़ी थी। और दोस्तों, इस मस्जिद के आसपास बहुत ही घमासान लड़ाई हुई थी। इसमें 2000 से 3000 मैसूर के सिपाही यहां पर शहीद हुए थे। और इसको एक हॉस्पिटल की तरह भी यूज किया गया था। दोस्तों, इस जंग के बाद अंग्रेजों ने मस्जिद आला के नीचे के फ्लोर पर जख्मी लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, मस्जिद आला में हजरत टीपू सुल्तान की इमामत का वाकया हम सबको पता है, मगर फिर भी मैं आपको वाकया एक और बार सुनाना चाहता हूँ जो मैंने अपने बड़े बुजुर्ग पीर और मुर्शिद से सुना था। पता है कि इस मस्जिद को हजरत टीपू सुल्तान तामीर करवाए, और जब इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई तो यहाँ पर हजारों लोग आए हुए थे जिसमें कई मुफ्तियान इकराम, आलिम दीन, सूफियान इकराम भी मौजूद थे। और उस मजमे के सामने हजरत टीपू सुल्तान के उस्ताद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इस मस्जिद की पहली इमामत वही करेगा जो एक वक्त की नमाज भी खजा ना की हो। दोस्तों, कहा जाता है कि उस हजारों के मजमे में खामोशी छा गई क्योंकि वहां मौजूद लोगों में से ऐसा कोई नहीं था जिसकी एक वक्त की नमाज खजा ना हुई हो। यहाँ तक कि हजरत टीपू सुल्तान के उस्ताद भी आगे नहीं आए। और फिर टीपू सुल्तान के उस्ताद ने सुल्तान का हाथ पकड़कर कहा, इस मस्जिद की पहली इमामत हजरत टीपू सुल्तान करेंगे क्योंकि उन्होंने 7 साल की उम्र से कभी भी कोई नमाज खजा नहीं की है। उस्ताद की ये बात सुनकर सुल्तान ने कहा, अय उस्ताद मौजम, आज आपने मेरा राज पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया।
फिर हज़रत टीपू सुल्तान ने मस्जिद आला की पहली इमामत की। दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान मस्जिद आला के साइट के दरवाजे से दाखिल हुआ करते थे ताकि उनके एहतराम में मस्जिद के अंदर कोई उठ खड़ा ना हो जाए, और हज़रत टीपू सुल्तान मस्जिद आला तक हमेशा ज्यादातर पैदल ही चलकर जाया करते थे। दोस्तों, ये मस्जिद गवाह है हज़रत टीपू सुल्तान के इमामत की, सुल्तान के इबादत की, सुल्तान की हुकूमत की और सुल्तान के शहादत की, और इंशाल्लाह ता क़यामत तक मस्जिद आला इसी तरह बुलंद रहेगी। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, जब भी आप मैसूर आए श्रीरंगापट्टनम जरूर जाइए, जैसे समर पैलेस और टीपू सुल्तान गुम्बद और हज़रत टीपू सुल्तान जहां पर शहीद हुए वहां पर भी जाइए आप ज़रूर, और लास्ट में मस्जिद आला भी ज़रूर जाइए। दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान के फोर प्लेस को ज़रूर विजिट कीजिएगा आप। गाइस, बहुत ही बड़े बड़े गेट हैं इसके, देख सकते हो मस्जिद है, यहाँ पर ऊपर कोई आता जाता नहीं है ज़्यादा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के मैं वीडियोस लाता रहूँगा।